अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ जो वेदर चेंजेस हैं उनको भी इंजॉय कर रहे होंगे। कितना मज़ा आता है कि हमारे पास हर तरह का वेदर है हमारे कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में, और हम इतना इंजॉय कर सकते हैं। हम डिफरेंट तरह के कपड़े पहन सकते हैं, हम डिफरेंट तरह के जूते पहन सकते हैं, डिफरेंट तरह के लिप कलर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट तरह के कलर्स और शेड्स यूज कर सकते हैं। उसी तरह से जो है वो हम खानों को भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है ना, सर्दियों में कुछ और खाने का मज़ा आता है और जो डिशेस होती हैं गर्मियों की वो बिल्कुल और होती हैं। गर्मियों में हमें बहुत सारे ड्रिंक्स जो हैं जो कि बहुत लाइट हों और आपको हैवी फीलिंग ना दे रहे हों वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। फिर हम सर्दियों में चलते हैं तो जो कड़क चाय है उसकी तो क्या ही बात है, दिल चाहता है रोज कड़क चाय का जो है वो एक सेशन होना चाहिए। किस किस को चाय यानी कि कड़क चाय सर्दियों के मौसम में पसंद है, आप सबने नीचे लिखते जाना है। हेलो हाय, जो आपकी क्वेरीज है वो तो करें लेकिन साथ में पहले ये जरूर बताएं। आज मैं ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करने वाली जो पहले ये ना बताए कि चाय सर्दियों के मौसम में चाय को आप कितना इंजॉय करते हैं। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक के रखती हूँ कि इतनी चाय की कंजम्पशन अच्छी नहीं होती है क्योंकि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं। अगर आप एक नॉमिनल से अमाउंट में पीते हैं या नंबर ऑफ कप्स लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब नंबर ऑफ कप्स का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 6 कप्स ले सकते हैं, 2 is more than enough, लेकिन ये है कि सर्दियों में चाय पीने का तो अपना ही मजा है। और किस किस ने मटका चाय पी है क्योंकि उसका तो टेस्ट ही फर्क होता है, वो भी बहुत मजे की लगती है। तो चलें जी साथ साथ अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आप मुझे अपनी प्रेफरेंस और अपनी चॉइस जो है वो लिखते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है लिक्विड फेसलिफ्ट। लिक्विड फेसलिफ्ट, जैसे कि आपको लिक्विड अगर नहीं भी पता चल रहा कि हम किस लिक्विड की बात कर रहे हैं तो फेसलिफ्ट से आपको जरूर पता चल रहा होगा कि ऐसा कोई लिक्विड ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम फेस को एक लिफ्ट दे सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिलर्स पे। जो लिक्विड फेसलिफ्ट में चीज यूज होती है या इंजेक्शन यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज फिलर। फिलर जो होते हैं आपने बहुत नाम सुना होगा, फिलर्स डिफरेंट तरह के होते हैं लेकिन ज्यादातर जो फिलर्स यूज किए जाते हैं या जिनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा है वो हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि अगर आपने किस जगह के ऊपर इसको यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है तो आप कौन से वाला हाइलुरोनिक एसिड का फिलर यूज करेंगे। जैसे आपने अंडर आई यूज करना है तो फिर डिफरेंट होगा, आपने नेसोलेबियल फोल्ड्स के लिए यूज करना है तो डिफरेंट होगा, आपने चिन ऑगमेंट करनी है या आपने चीक्स को ऑगमेंट करना है तो उसके लिए डिफरेंट होगा, हाथों के ऊपर यूज करना है तो उसके लिए डिफरेंट होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लिक्विड फेस लिफ्ट पे। जिस तरह से नाम से पता चलता है कि हम फेस को एक लिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिलर को यूज करते हैं। ऐसा भी होता है कि हमारे फेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम इंजेक्ट करते हैं तो आपको इधर से भी लिफ्ट मिल जाएगा, इधर से भी लिफ्ट मिल जाएगा, इधर से भी लिफ्ट मिलेगा और यहां से भी आपको लिफ्टेड स्किन जो है वो फेस जो है वो फील होगा और आपकी लुक जो है वो एकदम से आपको करेक्टेड लगेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेक्शन की कि हम किस किस चीज को करेक्ट कर सकते हैं फिलर इंजेक्शन के थ्रू। अब मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। ये जो एंगल्स ऑफ माउथ होते हैं ये एज के साथ टाइम के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, ड्रूप करना शुरू हो जाते हैं। इसको इसकी जगह पे लाने के लिए वापस हम यूज कर सकते हैं फिलर इंजेक्शन। उसी तरह से अगर हम नोज की टिप को उठाना चाहते हैं या फिर ब्रिज ऑफ नोज को स्ट्रेटन अप करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं फिलर इंजेक्शन। अगर नेसोलेबियल फोल्ड्स जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, ये लाइंस ज्यादा प्रोमिनेंट लगती हैं, डीप होती जा रही हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम फिलर इंजेक्शंस। आईज के साइड्स पे जो क्रोस फीट या पतली वाली लाइंस आती हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि लोगों का एक दरमियान में जो है ये इसको ग्लेबेला कहते हैं, आंखों के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है इसके ऊपर बहुत टफ लाइंस आ जाती हैं। एक तो रिंकल होता है ना, और सॉरी एक तो क्या कहते हैं मूवमेंट के ऊपर आपकी लाइन बनती है कि आप गुस्सा करते हैं तो फिर लाइन आती है, और समटाइम्स ये होता है कि वो जो है वो रिंकल बन चुका हुआ होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक डिप आ चुका हुआ होता है, उसको फिलअप करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं फिलर इंजेक्शन।
बहुत दफ़ा यहाँ पे इतनी डीप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन चुकी हुई होती हैं कि उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं फिलर इंजेक्शन। अगर हम चीक्स को ऑगमेंट करना चाहते हैं, हाइट देना चाहते हैं, क्योंकि वो चीक्स जो हैं वो यहाँ से फ्लैटन हो गए हैं, यहाँ से पिचक गए हैं एज के साथ, टाइम के साथ, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फिलर इंजेक्शन को। अगर हम चिन को देखें कि चिन जो है वो अब हमारी, उसकी कोई बॉडी नहीं रही चिन की और वो बिल्कुल फ्लैट हो गई है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ऑगमेंटेशन के लिए फिलर इंजेक्शन। उसी तरह से अगर जो है वो हमें अपनी जॉ लाइन बनवानी है, बेहतर करनी है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं फिलर इंजेक्शन। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स जो हैं वो टाइम और एज के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वर्टेड अंदर की तरफ चले गए हैं और नज़र ही नहीं आते या बहुत पतले होते जा रहे हैं विद टाइम एंड एज, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं फिलर इंजेक्शन के थ्रू। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम करेक्शन करना चाहते हैं या फिर हम एनहेंसमेंट चाहते हैं। करेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको ठीक करना, और जो एनहेंसमेंट होती है वो हमारी अपनी मर्जी है, पेशेंट की अपनी मर्जी होती है कि वो कहता है नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे इतने बड़े बड़े लिप्स चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे इस तरह की जो है वो हाई चीक बोन्स चाहिए आप वो कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप कहते हैं मुझे इस तरह की नहीं, मुझे इस तरह की जॉ लाइन चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। हाथों के लिए भी मैंने आपको बताया कि इसको यूज़ किया जाता है, जैसे जैसे एज के साथ जो है आपको लगता है कि फाइन लाइंस ज़्यादा होती जा रही हैं, हाथों की स्किन पतली होती जा रही है, और उसके साथ साथ ये होना शुरू हो गया है कि जो आपकी बोन्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं और हॉलो हैंड्स होते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम फिलर इंजेक्शन यूज़ करते हैं। लिफ्ट का मतलब तो आपको भी समझ में आ रहा है कि हमने लिफ्ट देना है, विद करेक्शन हम उसको लिफ्ट दे सकते हैं। जैसे लटकी हुई स्किन होती है उसको हम लिफ्ट देके करेक्ट कर सकते हैं, और यही इसका मकसद होता है। और इसको लिक्विड फेस लिफ्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है वो हम फिलर इंजेक्शंस यूज करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम बोटॉक्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह से फिलर इंजेक्शन के थ्रू जो है वो हम आपकी करेक्शन भी कर सकते हैं और एनहेंसमेंट भी कर सकते हैं, और फेस को एक अच्छी लिफ्टेड लुक जो है वो दी जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं मैं इसको लगवाऊंगी तो मेरा मुंह मोटा तो नहीं हो जाएगा। आपका मुंह बिल्कुल मोटा नहीं होगा, क्योंकि इसको आप एक करेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। जब तक हम इन्हेंस नहीं करना चाह रहे, हम उस जगह को मोटा या ऑगमेंट करना नहीं चाह रहे, ये खुद से लगाने से क्या कहते हैं आपके फेस को मोटा नहीं कर देगी, नहीं कर देगा फिलर इंजेक्शन। उसी तरह से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर इसको लगा लेंगे तो क्या ये कुछ अरसे के बाद कैंसरस हो जाएगा या स्किन के अंदर कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो हाइलुरोनिक एसिड के फिलर इंजेक्शन हैं वो तो सेफेस्ट हैं, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब हम उसको स्किन में इंजेक्ट करते हैं तो वो एज ए फॉरेन पार्टिकल उसको नहीं लेती हमारी बॉडी और उसको रिजेक्ट नहीं करती है, बिकॉज वो उसके लिए एक नोन चीज होती है और रिजेक्शन भी नहीं होती है, और कोई इस तरह का जो है वो क्या कहते हैं हैजर्डस रिएक्शन नहीं होता स्किन का कि अच्छा इसमें स्किन में कुछ ऐसा हो जाएगा या रिजेक्शन ऑफ द फिलर हो जाएगी और फिर हम इसका क्या करेंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है ये मेटाबोलाइज हो जाता है। मेटाबोलाइज होने वाली चीज आपके लिए हमेशा सेफ रहती है, द रीजन बीइंग कि वो कुछ अरसे के बाद खुद ही यूटिलाइज होके खत्म हो जाती है, इसलिए वो सेफ होती है। आप इसको रिपीट करवाते हैं लेकिन ये हैजर्डस या डेंजरस आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत छोटी सी चीज होती है लेकिन मिनटों में हम इसको आपके फेस के ऊपर इसको यूज करके एक लिफ्टेड लुक, एक यूथफुल लुक और उसके साथ साथ करेक्शन दे सकते हैं। और फिर ये होता है कि अच्छा इसको हम लगाएंगे तो क्या देखने वालों को पता चल जाएगा कि हमने फिलर लगाया हुआ है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, अगर आप करेक्शन कराते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप एनहेंस कराते हैं, जैसे आपने फिलर इंजेक्शन इसलिए अपने लिप्स में लगवाया है कि आप अपने लिप्स की शेप को चेंज करना चाहते हैं या लिप्स की थिकनेस को चेंज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको लुक में फील होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ खाली करेक्शन करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे क्या किया, लेकिन फेस आपको लिफ्टेड और करेक्टेड फील होगा। इसकी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं, होता तो इंजेक्शन ही है और सबने उसी को यूज करना होता है, लेकिन इसकी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं कि अगर हमने जॉ लाइन को एनहेंस करना है तो फिर हम इसको कैसे या कहाँ लगाएंगे, अगर चीक बोन्स जो हैं उनको हमने हाइट देनी है तो फिर इसको कैसे लगाएंगे, फेस कट कैसा है और उसके ऊपर कहाँ पे लगाने से कैसे ये अच्छा लगेगा,
या किस तरह का लुक हम चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें कोई वो नहीं होता कि मेल नहीं लगवा सकते या फीमेल लगवा सकती हैं, कोई भी इसको लगवा सकता है। यहां तक कि हम फिलर्स को जो पोस्ट एक्नी स्कार्स होते हैं उनकी करेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे हम लेजर्स वगैरह को यूज करते हैं जो पोस्ट एक्नी स्कार्स हैं उनकी करेक्शन के लिए, तो उसकी लॉन्गिविटी के लिए या बहुत ज्यादा अगर उनकी डेप्थ होती है तो जब हम लेवल के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं बट स्टिल हमें फिलिंग की जरूरत होती है तो हम फिलर इंजेक्शन के थ्रू उसको फिल करते हैं। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं माइनर सा एक प्रोसीजर होता है जिसके लिए हम नमिंग क्रीम को यूज करके और उसके बाद जो है वो आपको इंजेक्ट करते हैं। और समटाइम्स तो लोग इतने क्या कहना चाहिए इतने करेजियस होते हैं कि वो या उनकी टॉलरेंस इतनी अच्छी होती है कि वो विदाउट एनी नमिंग जो है वो इस प्रोसीजर को करवा लेते हैं। ये इतना माइनर है और बिल्कुल भी जो है वो आपको इसका कोई ऐसा डाउन टाइम नहीं होता। बाकी ये कि जहाँ पे नीडल यूज करते हैं तो वहां पे ब्रूज बनने का चांस तो होता ही है या हमेशा ही रहता है, और ऐसा भी होता है कि कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती है कि उसके ऊपर ब्रूजेस बनते ही हैं, तो उसमें ब्रूज बनने का चांस होता है, वो टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ थोड़े से प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाना चाहूंगी। आपको जो भी इसकी क्वेरीज या क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप भेजते जाए, लेकिन इस वक्त मैं पहले आपको जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक क्रीम दिखा रही हूँ, ठीक है। ये क्रीम मैं पहले भी दिखाती रही हूँ लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त फिलर क्रीम है। जहां जहां हम फिलर इंजेक्शन लगाते हैं या जहां जहां लगाया जा सकता है वहां पे उसकी लॉन्गिविटी को इंक्रीज करने के लिए, या जब तक हम फिलर इंजेक्शंस लगाना शुरू नहीं करते हम डिले करना चाहते हैं उस चीज को, एजिंग के प्रोसेस को, तो वहां पे ये फिलर क्रीम लगाई जा सकती है। और ये डेफिनेटली आपके अंडर आई जो फाइन लाइंस होती हैं या जो साइड्स के ऊपर बिल्कुल करीब फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं या आ जाती हैं उसकी करेक्शन के लिए बहुत अच्छी रहती है। याद रखें कि जितनी जल्दी और जितनी सूटेबल एज के ऊपर आप जो डिफरेंट या अच्छी वाली प्रोडक्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे एंटी एजिंग, तो उतना ही ज्यादा आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहेगी और एजिंग का प्रोसेस डिलेड रहेगा। ठीक है। ये फिलर इंजेक्शंस वाली जिसके अंदर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि आप इसको अगर लाइंस के अंदर या फोल्ड्स में लगाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको पहले से बेटर नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर मैं आपको एक लिफ्टिंग वाला सिरम दिखा रही हूँ, ये भी मैंने पहले शो किया हुआ है। दिस इज ए वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट क्योंकि ये वाकई ही लिफ्ट देता है स्किन को। देखें, ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने का कोई फायदा नहीं होता जो कि वर्क नहीं करते हैं, जो कि रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन जब आप प्रोडक्ट लगा ही रहे हैं तो फिर ऐसा ही यूज करना चाहिए जो कि आपकी स्किन के ऊपर एक ऑब्वियस रिजल्ट दे और आपके एजिंग के प्रोसेस को डिलेट रखे। तो ये बेसिकली लिफ्टिंग सिरम है, डे में भी यूज कर सकते हैं और नाइट में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लिफ्टिंग सिरम दिखा रही हूँ, एंटी एजिंग है और उसके साथ साथ जो है वो बेसिकली बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है क्योंकि एस्ट्राजेंथीन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और ये सिरम जो है ये लिफ्ट भी देता है, रिजुविनेट भी करता है और इस ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है तो कलर को भी फ्रेशन अप करता है, ब्राइटन अप करता है। ठीक है, ये जो है ये सिरम फॉर्म में है। अब मैं आपको इसी का दिखा रही हूँ, ये क्रीम फॉर्म में, जेली फॉर्म में है, क्रीम नहीं है जेली है। तो मैं आपको दोनों के दोनों इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखा रही हूँ। ये जो है ये सिरम फॉर्म में है और ये जो है ये जेली की फॉर्म में है। तो बेसिकली हम ज्यादातर इस तरह से देते हैं कि ये डे टाइम में यूज कर लेते हैं और क्योंकि लाइट होता है, लाइट वेट होता है, और ये जेली जो है ये नाइट टाइम में यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और क्रीम, ये भी लिफ्टिंग देती है और ये एंटी एजिंग है। ठीक है, ये वैक्स इसका कोई टेक्सचर नहीं है। ये जो है ये भी एक लिफ्टिंग क्रीम है, एंटी एजिंग है और लिफ्टिंग क्रीम है, और ये इसका कोई भी टेक्सचर नहीं है। इसके ऊपर स्किन टाइप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आप दिन में दो दफा भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम रात को कहते हैं कि रात को सोने से पहले आप इसको लगा लें। ये वाली क्रीम जो है ये बहुत ही जबरदस्त क्रीम इस सेंस में है कि आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको रियल रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी स्किन में मिलेंगे। इसमें सारे के सारे जो एजिंग का प्रोसेस है जिसमें हमें सैग हो रही होती है स्किन, तो वो लिफ्टेड आपको लगेगी और उसके साथ साथ जो है वो आपको प्लफ भी फील होगी क्योंकि स्किन जो है वो फिर उस तरह का टेक्स्चर उसका नहीं रहता विद टाइम एंड एज। ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूं, इसको देखें आप। ये वाली जो है ये बेसिकली जो है वो
एंटी एजिंग क्रीम है, बहुत ही जबरदस्त है, एंटी एजिंग क्रीम है, स्किन को फर्मनेस देती है और उसके साथ साथ जो है वो रिजुविनेट करती है और मॉइस्चराइज करती है। जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहती है, वो लोग इसको यूज़ करेंगे तो उनके लिए बहुत ईजी होगा कि उनको मल्टीपल चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, एक ही चीज़ यूज़ कर लेंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कुछ हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो स्किन को प्लम्पनेस देता है और उसके साथ साथ एंटी एजिंग होता है बिकॉज फाइन लाइंस को करेक्ट करता है। ठीक है, लिफ्ट नहीं देता बट फाइन लाइंस को करेक्ट करता है और एंटी एजिंग होता है बिकॉज स्किन को प्लम्प करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर करता है, तो फाइन लाइंस आपको बेहतर लगती हैं। ये देखेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 5% हाइलुरोनिक एसिड है, प्लेन हाइलुरोनिक एसिड है 5%। अंडर आईज लगाएं, आईज की साइड्स पे लगाएं, अगर नेजोलेबल फोल्ड ज्यादा है वहां पे लगाएं, जो माउथ के कॉमन शोर्स होते हैं उसके ऊपर लगाएं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और क्रीम, ये जो है ये बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम है और ये वाटर बेस्ड है, हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम है और वाटर बेस्ड है, बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको किसी भी वेदर में लगा सकते हैं, किसी भी एज में लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी स्किन के पोर्स क्लॉग नहीं करती है और जबरदस्त आपको रिजल्ट देती है। और इवन जो यंगस्टर्स हैं या ऐसे लोग जो कि हाइलुरोनिक एसिड को यूज करना चाहते हैं बट स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उनके लिए ये आइडियल है। ठीक है, अब मैं आपको एक और सीरम दिखा रही हूँ, ये भी प्योर हाइलुरोनिक एसिड का एडवांस फॉर्म है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसी के साथ मैं आपको एक और भी दिखा रही हूँ, ये दोनों हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स हैं, दोनों ही, एक जो है वो मिक्स्ड है, ये वाला जो है ये मिक्स्ड है, ये कम्प्लीटली वाटर बेस्ड नहीं है। तो जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्रायर साइड पे है या ज़्यादा मेच्योर है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनकी स्किन जो है वो नॉर्मल है वो ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी हाइलुरोनिक एसिड, पोटेंट हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है और ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक और हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है। हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम जो है, जिस तरह से फिलर में हाइलुरोनिक एसिड होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, वो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जो क्रीम्स के अंदर, सीरम्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है वो अपनी जगह पे नहीं रह सकता, बट वो उस जगह को या उस जगह से स्किन को प्लम्पर कर देता है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर करता है, जिससे फाइन लाइंस बेहतर होती हैं और स्किन आपको पहले से प्लम्पर लगती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दो और दिखाने लगी हूँ सीरम्स, इसमें आप देखें ये पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के साथ है, इसमें ये कॉलेजन इलास्टिन बनाता है और पेप्टाइड्स जो हैं वो इटसेल्फ बहुत अच्छा काम करते हैं एज एन एंटी एजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये पेप्टाइड सीरम है और ज़बरदस्त सा पेप्टाइड सीरम है, इससे कॉलेजन इलास्टिन जो है वो बनना शुरू होगी, ट्रिगर होगी, जो कि आपकी अपनी ही स्किन बनाती है उसको हेल्प आउट करेगा और उसके साथ साथ खुद से इटसेल्फ जो है जो पेप्टाइड्स होते हैं वो स्किन के लिए रिजुविनेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने लगी हूं एक और सीरम जो है वो मैं आपको दिखा रही हूं, ये भी करेक्शन करता है फाइन लाइंस की, और एंटी रिंकल सीरम कह लें, फाइन लाइंस की करेक्शन के लिए है, बहुत ही जबरदस्त है, सिर्फ खाली रात के टाइम पे यूज कराते हैं और डे के टाइम में आपको कोई और चीज जो है वो ऐड कर देते हैं, इट्स रियली नाइस। याद रखें कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप इनको टाइमली यूज करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली एजिंग का प्रोसेस जो है वो हम डिले कर सकते हैं, लेकिन जब हर चीज बन चुकी है, डिवेलप हो चुकी हुई है, जैसे नेजोलेबियल फोल्ड्स डीपन हो चुके हुए हैं, माउथ कॉमन शोर्स जो हैं वो नीचे को जा चुके हुए हैं, जो आपके चीक बोन्स हैं वो डिप्रेस हो चुके हुए हैं, यहाँ से जो है वो फोल्ड बन गया है, तो फिर तो हमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट ही रिक्वायर होगा, फिर आप चीज़ें लगा के उसको करेक्ट नहीं कर सकते। चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप राइट टाइम पे उनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं।